टाइम 24 न्यूज जस्ट पास सच दिखाने का। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहने पर देश के लोगों ने कोरोना योद्धाओं के लिए थाली बजाई, ताली बजाई, लाइट जलाई और टॉर्च जलाई। लेकिन अब समय बदल गया है। अब देश के जो बेरोजगार हैं वो देश की सरकार को जगाने के लिए थाली बजा रहे हैं, कभी ताली बजा रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि अब तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को राष्ट्र बेरोजगार दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे आखिर ये बेरोजगार क्यों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर राष्ट्र बेरोजगार दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं। देखते रहिए हमारी वीडियो को। नमस्कार, मैं हूं भूपेश प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों जो देश के बेरोजगार हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर यानी 17 सितंबर पर बेरोजगार दिवस मनाने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है राष्ट्र बेरोजगार दिवस, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर और उस दिन होगा राष्ट्र बेरोजगार दिवस, जो कि देश के बेरोजगार मनाएंगे। सोशल मीडिया पर अगर हम देखें तो सबसे ऊपर यही ट्रेंड कर रहा है इस समय और लगातार इस पर ट्वीट किए जा रहे हैं। देश का जो युवा है लगातार रोजगार की बात कर रहा है और रोजगार को लेकर के वो सरकार को जगाने की बात कर रहा है। आखिर वो क्यों देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर राष्ट्र बेरोजगार दिवस मनाएगा, इस पर भी आपको हम बताएंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि लगातार जो देश का बेरोजगार है वो सरकार को जगाने की बात कर रहा है, उस मुद्दे को उठा रहा है कि कैसे सरकार तक उनकी बात पहुंचे। और इसको लेकर के देश का जो बेरोजगार है, पहले वो 5 सितंबर को थाली बजाता है, ताली बजाता है, लेकिन जो मीडिया है वहाँ पर उनका वो थाली बजाना और ताली बजाना बिल्कुल नदारद रहता है। कोई मीडिया उसको नहीं दिखाता है, क्योंकि हमने जब कोरोना योद्धाओं के लिए ताली, देश के प्रधानमंत्री ने जब कोरोना योद्धाओं के लिए ताली बजवाई थी तो जो स्टूडियो थे, बड़े बड़े टीवी स्टूडियो थे, वहाँ पर एंकर से लेके उनके कर्मचारी, रिपोर्टर से लेके उनके कैमरामैन सब ताली बजा रहे थे। हम भी भाई वहाँ ताली बजा रहे थे, हम भी खड़े थे। लेकिन अब देश का युवा बेरोजगारी को लेकर के अपना रोजगार मांग रहा है, देश की सरकार को जगाने की बात कर रहा है और वो ताली बजा रहा है। 5 सितंबर को 5 बजे लगातार ताली बजाई, लेकिन ना तो मीडिया में कहीं दिखा, ना अखबारों में कहीं छपा, उनकी वो खबर केवल सोशल मीडिया पर ही रह गई। अब उन्होंने समझ तो लिया है कि जो मीडिया है वो उनकी बात को नहीं उठाएगा, लेकिन आपको हम देश के युवाओं को और बेरोजगारों को बता दें, टाइम 24 न्यूज़ आपकी बात को उठाएगा भी और आपकी बात को आगे पहुंचाएगा भी। तो इसीलिए हम आपकी बात बता रहे हैं, क्योंकि अब देखिए जो देश का युवा बेरोजगार है उसने साफ तौर पे देख लिया है कि देश का जो नेशनल मीडिया है यानी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उनकी बात को नहीं उठाने वाला, इसलिए वो सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड चला रहे हैं। इसी को लेकर के 5 तारीख को उन्होंने ये कार्य किया था, थाली और ताली बजाई थी। उसके बाद देश की सरकार को जगाने के लिए रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने 9 सितंबर को लाइट जलाई थी। 9 सितंबर को रात के 9 बजे उनके द्वारा लाइट जलाई गई थी, मोमबत्ती जलाई गई थी, टॉर्च जलाई गई थी और दिखाया गया था कि देखिए इधर हम भी हैं, हम बेरोजगार जो हैं भैया यहाँ पे खड़े हैं, जरा हम पे भी ध्यान दे सरकार। लेकिन उनकी जो लाइट है ना वो उनके घर तक वहीं रह गई। फिर सोशल मीडिया पर चर्चा हुई, लेकिन फिर टीवी ने नहीं दिखाया, फिर किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। वो लगातार सरकार से कह रहे हैं, लाइट जलाने का मतलब था कि हमारी तरफ आप ध्यान दीजिए। देश के हर कोने से वो वीडियो लगातार वायरल हुई थी, लेकिन उन वीडियो को ना टीवी चैनल्स पे दिखाया गया, ना कहीं अखबारों में जगह मिली थी। अब देश के युवा ने अपनी हिम्मत नहीं हारी है, रोजगार का मुद्दा वो लगातार उठा रहे हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर हमारे रोजगार कहाँ हैं। क्योंकि जब देश में सरकार बनने जा रही थी, यानी देश में जब चुनाव चल रहे थे, तो लगातार रोजगार देने की बात हो रही थी और बेरोजगारी खत्म करने की बात हो रही थी, टीवी पर भी ऐड आती थी। इस बार बेरोजगारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार, आपने ऐड भी देखी होगी और लोगों की उम्मीदें बढ़ी थी कि अब हमें रोजगार मिलेगा, हमारा भी घर चलेगा, हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। और लगातार मंचों से चर्चा हुई थी कि हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, यानी वादा हुआ था 2 करोड़ रोजगार देने का, लेकिन इस कोरोना काल में 2 करोड़ लोगों की नौकरियाँ चली गई हैं। यानी कि बात हुई थी नौकरी देने की, लेकिन यहाँ तो नौकरी लगातार जा रही हैं, रोजगार मिलने की बजाय लोग बेरोजगार हो रहे हैं। आखिर देश का युवा क्यों नहीं खड़ा होगा, क्यों अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा?
वो लगातार फॉर्म भर रहा है, उनके एग्जाम नहीं हो रहे हैं, जिनके एग्जाम हो गए उनके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो देश के युवा को खुद उठना पड़ा, खुद अपनी आवाज़ उठानी पड़ी, खुद अपनी आवाज़ उसको सोशल मीडिया पर बुलंद करनी पड़ी। अब उन्होंने नया ट्रेंड चलाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिन है 17 सितंबर को जो मनाया जाता है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार बड़ी बड़ी बातें कह रही है और कह रही है कि हम सेवा सप्ताह के रूप में इसको मनाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ देश के जो बेरोजगार हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर बेरोजगार दिवस मनाएंगे, ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि 17 सितंबर को जितने भी देश के बेरोजगार युवा हैं वो 17 सितंबर को 17 बजे यानी शाम के 5 बजे 17 मिनट तक अपनी डिग्रियों की फोटोकॉपियों को जलाएंगे। उनका कहना है कि जब ये डिग्रियां, जब ये हमारी पढ़ाई के दस्तावेज किसी काम के नहीं, हमें रोजगार नहीं मिल सकता, तो क्या फायदा इन डिग्रियों का। इसलिए वो 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर राष्ट्र बेरोजगार दिवस मनाते हुए इन प्रतिलिपियों को जलाएंगे। अब सवाल उठता है कि इसका पूरी दुनिया पर कैसा असर जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है और उन्हीं के जन्मदिवस पर उन्हीं के देश के युवा डिग्री जलाएंगे यानी डिग्री की कॉपी जलाएंगे, तो कैसा दुनिया में संदेश जाएगा। और ट्विटर पे भी ये चीज ट्रेंड हो रही है लगातार, राष्ट्र बेरोजगार दिवस जिसको 17 सितंबर को मनाया जाएगा, देश का बेरोजगार उसकी लगातार तैयारी कर रहा है और लगातार ट्रेंड में चलाया जा रहा है। हमारी तरफ देखिए, वो लगातार सरकार से जो है सरकार को जगाने की बात कर रहा है, वो चाह रहा है कि सरकार हमारी तरफ देखे, देश के बेरोजगारों पर ध्यान दे, देश के बेरोजगारों को नौकरी दे, रोजगार दे। देश की जो GDP है वो माइनस में जा चुकी है, ये आपको पता है, लगातार ये खबरें भी आपने देखी होंगी। लेकिन जो GDP बची हुई है ना, वो भी देश के किसानों की वजह से बची हुई है, लेकिन देश के किसानों पर भी लाठियां भांजी जा रही हैं, वो भी अपने मुद्दों को लेकर के लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जब वो सवाल उठाते हैं तो उन्हें लाठियां मिलती हैं। मैं कुछ आंकड़े भी आपको बता देना चाहता हूं। अगर हम बेरोजगारी यानी युवा बेरोजगारी दर की बात करें तो वो इस समय 24% है, और ILO यानी कि इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बढ़कर 32% तक होने की संभावना है, यानी कि स्थिति और भी ज़्यादा भयावह हो सकती है। आप अंदाज़ा लगाइए कि 24% से बढ़कर ये 32% पर होगी जब, तो कैसी स्थिति होगी, देश का जो बेरोजगार है वो किस तरफ जाएगा फिर। अगर हम बात करें देश के बेरोजगारों की, तो बेरोजगार लगातार एक मुद्दा उठा रहे हैं कि सरकार उनकी बात को, उनके मुद्दे को लगातार उठाए, उनकी बात पर ध्यान दे, क्योंकि उनका कहना है कि इस समय जो देश का मीडिया है वो उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। देश के मीडिया का जो ध्यान है वो सिर्फ रिया चक्रवर्ती, कंगना रनावत और सुशांत सिंह राजपूत पर है, यानी जो देश के मीडिया का केंद्र है वो केवल और केवल मुंबई बना हुआ है। मुंबई में किसी का घर बन रहा है तो वो चर्चा का विषय है। दिल्ली बॉर्डर पर लगातार किसानों पर लाठियां भांजी जाती हैं, कोई मीडिया चैनल वहां नहीं पहुंचता है, ना उनकी खबर को दिखाता है, लेकिन कंगना फ्लाइट में बैठती है, उस खबर को दिखाया जाता है, फ्लाइट में बैठे हुए सोशल डिस्टेंस का जो लगातार आपको TV स्टूडियो में बैठ के हवाला देते हैं ना कि सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, 6 गज की दूरी बनाइए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, उस बारे में लगातार आपको बताते हैं। वो लोग ही जब कंगना रनावत एरोप्लेन में बैठी हुई थी तो लगातार उस सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रहे थे, अपने कैमरे लेकर के, अपने आइडिया लेकर के आपस में भिड़ रहे थे। वो सोशल डिस्टेंस या वो चीज़ें कहाँ जाती हैं? आप रोडों पे पहुँचोगे ना, सड़कों पे पहुँचोगे तो आप पर चालान कटेंगे, लोगों के मास्क के चालान खूब कटे होंगे, आपका भी कटा होगा शायद, लेकिन वो सोशल डिस्टेंस भी आम आदमी के लिए है, केवल आम आदमी के लिए। अब हम फिर दोबारा लौट के उसी मुद्दे पर आते हैं, देश के युवाओं के और देश के बेरोजगार। अब बेरोजगार लगातार संघर्ष करने का मतलब उनका है कि सरकार उनकी बात सुने, मीडिया उनकी बात को उठाए। अब वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं? उनके करने का कारण है कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं, देश का युवा सोच रहा है कि जो देश की सरकार है उन तक उनकी आवाज़ नहीं पहुँच रही है। आवाज़ कब पहुँचेगी? जब देश का मीडिया उसको दिखाएगा।
अब देश का मीडिया नहीं दिखा रहा तो उन्होंने सोशल मीडिया पर इस ट्रेंड को चला दिया। सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड लगातार चल रहा है और देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके जन्म दिवस पर राष्ट्र बेरोजगार दिवस मनाएंगे वो लोग। अब देश के जो बेरोजगार हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक उनका मुद्दा अहम नहीं होगा, यानी कि कंगना रनौत, रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत से बढ़कर के बेरोजगारों का मुद्दा ऊपर नहीं उठाया जाएगा, तब तक वो इस तरह का आंदोलन लगातार चलाते रहेंगे और सोशल मीडिया के थ्रू लगातार सरकार को जगाने का कार्य करते रहेंगे। अब देखना यह है कि दुनिया में कैसी तस्वीर उस दिन जाएगी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया जाएगा और देश का जो बेरोजगार है वो दूसरी तरफ राष्ट्र बेरोजगार दिवस मनाएगा। अब देखना यह है कि 17 सितंबर को जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया जाएगा, उसी दिन देश के युवा राष्ट्र बेरोजगार दिवस मनाएंगे, तो उसके बाद सरकार क्या युवाओं की आवाज़ को सुनेगी? क्या बेरोजगारों की आवाज़ को सुना जाएगा? उनकी बातों पर या उनके आंदोलन पर गौर किया जाएगा? अब ये तो उस दिन के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि सरकार दावा तो लगातार कर रही है रोजगार देने का, लेकिन बेरोजगार जितने भी हैं वो अब भी गुहार लगा रहे हैं और लगातार परेशान हैं और सरकार से लगातार रोजगार देने की मांग कर रहे हैं। आए दिन छात्रों के और बेरोजगारों के आत्महत्या की खबरें आ रही हैं। सरकार को चिंतित होना चाहिए। हम लगातार आपके मुद्दों को उठाते रहेंगे और आपकी बात करते रहेंगे। आपका मुद्दा होगा और आपकी बात होगी, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और हमारे पेज को लाइक कर लें। अगली बार फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ और नई बात के साथ। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।